हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फादर इंडक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बड़े मज़े में होंगे। यार मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, मैंने आपको लास्ट मंथ जो है ना एक सीज़न बना के दिए थे जिसमें मैं रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूँ। सो नाउ फाइनली सीज़न टू इज़ आर बैक। फरवरी में हमने सीज़न टू स्टार्ट किया जिसमें हम लोग नेपाली या बांग्लादेशी जो भी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो होगी उसकी हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करें, जिसकी रिक्वेस्ट रह गई थी उनकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास ये वीडियो काफ़ी टाइम से भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, बोल रहे थे कि यार इस पर रिएक्शन दो। तो इसका नाम है जाटा जाटा पिराटी को बाटो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि यार नेपाली है और गलत बोल सकते हैं। क्रिस्टल क्लास विनर वीडियो 2017 की है ये वीडियो। काफ़ी बार भाई ने बोला था कि यार रिएक्शन दो प्लीज़ प्लीज़, और मुझे एश्योरिटी नहीं दे कि यार कॉपीराइटेड वीडियो है क्या है कुछ भी नहीं पता। तो वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे, देखेंगे किस तरह है, क्यों रिक्वेस्ट की जा रही थी, नेपाली सॉन्ग है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे पहले एक बात बता दूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक इट आउट कर सकते हो। देखते हैं क्या लोग अच्छा एक कार्टून क्रूज की तरह है आई थिंक। हे अभी ना भिखारिया संतान और उठे हो के निंदा करता हूं। कार्टून क्रूज की तरह आई कर रहे हो, जो भी बहुत अच्छे से लगे स्टार्टिंग से। जता जता पीरती को बाटो 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 जता जता पीरती को बाटो तेता तेता चलाउला माया को गाड़ी जता जता पीरती को बाटो तेता तेता चलाउला माया को गाड़ी आउन माया बस पछाड़ी आउन माया बस पछाड़ी मै चलाउला यो माया को गाड़ी मै चलाउला यो माया को गाड़ी। उकाली चढ़ता घुमती बाटो बिस्तारे हाक होला सम्म बाटो माया को गाड़ी छिटो छिटो हुई कहुला काली चढ़ता घुमती बाटो बिस्तारे हाक होला सम्म बाटो माया को गाड़ी छिटो छिटो हुई कहुला सँगसँगे अघि बढ्दै छ हाम्रो माया को सवारी आउन माया बस पछाडी आउन माया बस पछाडी मै चलाउला पिरतीको गाडी मै चलाउला यो मायाको गाडी। रमाइलो गराउला कान्छी घुमेर गाउँ सहर मायाको डोरी गाँसेर कान्छी पुर्याउला मनको रहर रमाइलो गराउला कान्छी घुमेर गाउँ सहर मायाको डोरी गाँसेर कान्छी पुर्याउला मनको रहर मल जल गराउला कान्छी पिरतीको फुल सारी आउन माया बस पछाडी आउन माया बस पछाडी मै चलाउला यो मायाको गाडी मै चलाउला पिरतीको गाडी मै चलाउला
मैं चलाउला बिरती को गाड़ी इस बेचारे को अभी तक बांधा हुआ यार शिट डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एस्टर प्रोडक्शन हाँ भाई तो मैंने यार देखा काफ़ी टाइम से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी आई थिंक 2 से 3 महीने से ये रिक्वेस्ट पड़ी हुई पेंडिंग में बट मेरी तबीयत बीच में लास्ट मंथ ख़राब हुई थी आप लोगों को मैंने बताया था बट जो भी था बहुत अमेजिंग था मैंने एक कार्टून क्रूज के एक सॉन्ग पे भी रिएक्शन दिया है आई थिंक उनकी वीडियो पे तो बहुत अमेजिंग था उसी तरह इन्होंने भी किया है बट यार हर बंदे को मैं एक तो नहीं बता सकता कि ये सही कह रहा है ये गलत कर रहा है हाँ उनके अलग एक माइंडेड है उनका अलग चीज़ है बट इन्होंने बहुत अच्छा किया मेरे हवाले से अगर देखा जाए तो इन्होंने अच्छा किया जिस तरह मैं देखना चाहता था उस तरह किया जिस तरह इन्होंने रिक्वेस्ट की मैंने बोला कोई खास वीडियो की कोई ऐसी वीडियो की जिसके ऊपर मुझे रिएक्शन देना चाहिए बट हाँ ये चीज़ ये अच्छी थी यार बंदा बोले कि हाँ यार रिएक्शन मैंने दिया अच्छा दिया काश मुझे पहले रिएक्शन टाइम मिला था मैं पहले रिएक्शन देता था तो ये एक अच्छी बात भी है और इन्होंने देखो डांसिंग बहुत अच्छी की है अगर आपको पता नहीं तो काठमांडू का एक डांसर है आई थिंक उनको घर से भी निकाल दिया था डांसिंग की वजह से वो मुंबई चले गए वहाँ पे भी इंडिया मुंबई चले गए ना वो फाइनली वो अभी स्ट्रीट डांसर 3 बॉलीवुड की एक मूवी में आ रहे हैं और आई थिंक मूवी भी रिलीज हो गई होगी मुझे कंफर्मेशन नहीं है बट मूवी रिलीज आई थिंक हो गई है और बंदे ने जो डांसिंग की है यार कसम से बहुत अमेजिंग तो इसी तरह नेपाल में मैंने काफ़ी देखे यार कि नेपाल के डांसर्स भी काफ़ी अच्छे डांस करते हैं और रैपर सॉन्ग्स जो थे मैंने रिएक्शन दिया कल परसों में रिएक्शन दिए तो वो भी काफ़ी अच्छा था तो बहुत अमेजिंग से यार कि नेपाल में भी टैलेंट की कमी नहीं है बट टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की तरह बट उनको मौके नहीं मिल रहे कि यार वो आगे आए जिस तरह पाकिस्तान में कितने ज़्यादा सिंगर्स है कोशिश करते हैं कि यार कोई ना कोई ऐसा सीन आ जाए जिससे पाकिस्तान की सिंगर्स जो है ना आगे चले जाए सो इसी तरह पाकिस्तानी के साथ नेपाल भी है कि यार कोशिश करके हमारे मतलब मौका मिले आगे जाए तो इसीलिए तो सोशल मीडिया पे सब आगे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे और आगे हम लोग फैन फॉलोइंग हमारी बन जाए तो ये भी एक अच्छा है बट जो भी था बहुत ही अमेजिंग डांसिंग किया बहुत अच्छा सॉन्ग था मुझे सॉन्ग के बारे में पता नहीं है कि क्या था बट ये टाइटल मैं दोबारा पढ़ लूँ जाटो जाटो पेराटी को बाटो आई थिंक सही बोल रहा हूँ अगर मुझे आपको पता है कि इसकी मीनिंग क्या है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से इन्होंने ये वीडियो बनाई इसको निभाया और अच्छा किया मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय बता सकते हो कमेंट सेक्शन में और इनके चैनल के मैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ब्लॉग चैनल भी है तो जिस चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे आप चेक आउट कर सकते हो नेपाल के डांसरों की बात करें तो बहुत ज़्यादा डांसर है नेपाल में मैं ये नहीं बोलना चाहता कि नेपाल में डांसिंग की डांस कम है या डांसिंग किसी को नहीं आती है टैलेंट कमी है मैंने जिस स्टार में बताया बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान की तरह गीयू की मैंने इनकी मूवी की टीजर के ऊपर रिएक्शन या मोशन पोस्टर के ऊपर रिएक्शन दिया सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन दिया रैपर्स के ऊपर रिएक्शन दिया तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे बट इनको मौके मिलने चाहिए जिस तरह इंडिया में बॉलीवुड में यानी इंडिया में लोग जो सिंगर्स हो गए एक्टिंग हो गई डांसिंग वाले हो गए तो इनको मौके मिलते हैं बट पाकिस्तान और नेपाल मुझे लगता है कि उन जैसे कंट्रियों में जिनको मौके नहीं मिलते और कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे आए और सोशल मीडिया पे अपना नाम बने और एक काम बनाए ताकि फिर आगे फिल्मों में भी और डांसिंग वीडियोस में भी चले जाए तो ये एक अच्छा काम है पाकिस्तान और नेपाल के हवाले से देखा जाए बिकॉज क्योंकि ऐसे मौके नहीं मिलते पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल क्योंकि पहले में इंडस्ट्री छोटी है लोग ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान अब बॉलीवुड में अगर देखा जाए अगर बॉलीवुड में कोई मूवी आती है या बॉलीवुड में कोई मूवी के ट्रेलर आते हैं तो वो 100 मिलियन तक चला जाता है कोई सॉन्ग आता है तो 200 मिलियन तक चला जाता है अगर पाकिस्तान या नेपाल का 2 से 4 मिलियन के ज़्यादा नहीं जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 6 मिलियन के ऊपर चले जाएं एक ऐसा पाकिस्तानी सॉन्ग है जो मुझे याद है और लास्ट ईयर आया था 87 मिलियन व्यूज़ है वो भी एक चैनल जो था वो एक इंडियन चैनल था यूट्यूब चैनल था और सॉन्ग सिंगर जो थे वो पाकिस्तान के थे आसिम अज़हर इनका सॉन्ग बहुत वायरल गया था तू जो मिला वो वाला सॉन्ग आपको याद हो अगर आपने सुना हो तो बट जो भी था यार डांसिंग के हवाले से मुझे डांसिंग के हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगा बस एक चीज़ की कमी थी कि यार स्टार्टिंग और एंड में इन्होंने जो बात की आई थिंक इनको माइक थोड़ा सा बेटर लेना चाहिए इनको डबिंग करवानी चाहिए बिकॉज जो है ना शोर थोड़ा सा था बट हाँ जो भी था अच्छा किया बट अब मुझे ये क्लियरिटी नहीं कि इनका अपना सॉन्ग है या इन्होंने कवर बनाया है क्या किया है मुझे बता सकते कि ये कवर है क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कवर सॉन्ग पे इन्होंने मतलब कवर सॉन्ग बनाया है इन्होंने किसी और के सॉन्ग पे डांस किया है ये इनका अपना सॉन्ग है आप मुझे बता सकते हैं इनके बारे में एंड जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो
ओके, डीएम भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो फेसबुक पे। तो जो भी आपके दिल में क्वेश्चन है, मैसेज है, आप कर सकते हो मुझे, मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सो आज ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया एंड डे बाय डे मैं इंस्टाग्राम के कमेंट्स को और रिक्वेस्टेड को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आपका कोई कमेंट है तो रह गया हो तो उसको भी कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। तो अगर वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।